हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर सेई ऑनलाइन क्लासेस, क्लास 6, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, चैप्टर 2, होल नंबर्स। हम कंटिन्यू डिस्कस कर रहे थे होल नंबर्स को। इससे पहले हमने प्रॉपर्टीज होल नंबर की एडिशन के साथ चेक की थी। टुडे डिस्कस करेंगे हम प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स विद सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के साथ चेक करेंगे। नंबर 1 प्रॉपर्टी, जैसे हमने एडिशन के साथ चेक की थी, ऐसे ही आप सब्ट्रैक्शन के साथ चेक करेंगे। नंबर 1 क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर क्या होते हैं, टू होल नंबर्स है हमारे पास ए एंड बी। अगर हम इसका सब्ट्रैक्शन करें ए माइनस बी, तो रिजल्ट ऑलवेज होल नंबर आना चाहिए, तो वो क्लोजर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। होल नंबर्स इसका रिजल्ट ऑलवेज क्या होना चाहिए, होल नंबर्स आने चाहिए, तो वो क्लोजर होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो हम चेक करते हैं इसको। कोई दो होल नंबर लेते हैं हम, फॉर एग्जांपल ए में हमने ले लिया नंबर 5 एंड बी में हमने नंबर ले लिया नंबर 7। तो अब इसको चेक करते, दोनों होल नंबर है 5 एंड 7, तो 5 माइनस हमने 7 किया। अब ये स्मॉल डिजिट है और ये लार्ज है, तो 7 में से 5 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, लेकिन बड़ी वाली डिजिट के साथ नेगेटिव साइन, तो -2 आएगा। तो रिजल्ट इसका क्या आ रहा है, -2, लेकिन -2 होल नंबर में नहीं आता है, सो इट इज नॉट क्लोजर। सो इट इज नॉट क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन के साथ ये क्लोजर नहीं होगा। सेकंड जो प्रॉपर्टी है हमारे पास वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जैसे हमने एडिशन के साथ की थी, ऐसे आप सब्ट्रैक्शन के साथ करेंगे। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के रूल क्या होते हैं, ए माइनस बी, सब्ट्रैक्शन करते हैं, प्लस बी माइनस ए, ए माइनस बी और बी माइनस ए इज नॉट इक्वल। चेक करते हैं किसी एग्जांपल से। टू होल नंबर्स लेते हैं, टू होल नंबर्स, फाइव एंड थ्री, टू होल नंबर्स 5 एंड 3 लेते हैं। LHS में चेक करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल LHS पर a माइनस बी, इट मीन्स 5 माइनस 3, रिजल्ट 2। RHS पर b माइनस a, इट मीन्स 3 माइनस 5, तो इसका रिजल्ट आएगा -2। हेयर 2 इज नॉट इक्वल टू -2, सो LHS is not equal to RHS. It means it is not commutative under subtraction. Number 3, third जो property है हमारे पास वो है associative property. Associative property. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंडर में 3 नंबर्स लेते हैं, जैसे एडिशन के साथ किया था। रूल क्या होता है हमारे पास, 3 नंबर्स, 3 होल नंबर्स ए कॉमा बी एंड सी। तो रूल क्या कहता है, ग्रुपिंग, ए माइनस बी सब्ट्रैक्शन के साथ कर रहे हैं तो माइनस करेंगे, माइनस सी इज नॉट इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी। अगर ग्रुपिंग हमने इंटरचेंज कर दी, पहले ए और बी को माइनस किया, फिर उसका रिजल्ट को सी से माइनस किया, फिर बी माइनस सी किया, फिर जो रिजल्ट आया उसको ए से माइनस किया, तो ये दोनों अनइक्वल होते, इक्वल नहीं होते।
लेकिन एडिशन में इक्वल होते हैं, सब्ट्रैक्शन के साथ इक्वल नहीं होते। कोई एग्जांपल से हम चेक करते हैं, थ्री होल नंबर्स लेते हैं, थ्री होल नंबर्स ए इक्वल टू फाइव, बी इक्वल टू फोर, सी इक्वल टू सेवन। थ्री होल नंबर्स लिए हमने, ए इक्वल टू फाइव, बी इक्वल टू फोर, सी इक्वल टू सेवन। आप कोई भी नंबर ले सकते हो एग्जांपल के लिए। तो इसको चेक करते हैं, एलएचएस पार्ट सबसे पहले हम सोल्व करेंगे। एलएचएस पार्ट ए माइनस बी माइनस सी, वैल्यूज पुट करेंगे ए बी सी की, वेल फाइव माइनस फोर माइनस सेवन। सिंप्लीफाई करेंगे, फाइव में से फोर माइनस करेंगे तो क्या आएगा, वन माइनस सेवन। अब देखिए वन में से सेवन तो माइनस होगा नहीं, बड़ी वाली डिजिट के साथ नेगेटिव साइन, सेवन में से वन माइनस करेंगे सिक्स, बड़ी वाली डिजिट के साथ साइन किसका है, नेगेटिव, तो साइन लगाएंगे नेगेटिव। ऑलवेज हमें बड़ी वाली डिजिट का जो साइन है वो लगाना होगा। एल एच एस पार्ट हो गया, आर एच एस में वैल्यूज पुट करेंगे, आर एच एस पार्ट है इसका ए माइनस बी माइनस सी, इसके अंदर ए बी सी की वैल्यूज पुट करेंगे, वैल्यू ऑफ ए फाइव माइनस बी फोर माइनस सेवन। सिंप्लीफाई करेंगे, फाइव ब्रैकेट को पहले सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए स्मॉल माइनस लार्ज, सेवन में से फोर माइनस करेंगे थ्री, लेकिन माइनस का थ्री आएगा रिजल्ट माइनस थ्री। अब इस केस में क्या होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस फाइव प्लस थ्री, फाइव प्लस थ्री कितना होगा एट। इट मीन्स एलएचएस की जो वैल्यू है माइनस सिक्स है, आरएचएस में आया एट, इट मीन्स एलएचएस नॉट इक्वल टू आरएचएस, एलएचएस नॉट इक्वल टू आरएचएस। तो ये एग्जाम्पल से हमने प्रूव कर दिया इसको। सो इट इज नॉट एसोसिएटिव अंडर सब्ट्रैक्शन। इसके बाद हम एक्सरसाइज 2.2 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द सम बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट। हमें सम फाइंड करना है लेकिन सुटेबल रीअरेंजमेंट करने के बाद। तो सुटेबल रीअरेंजमेंट होता क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसका सम करना है, 837 प्लस 200 8 प्लस 363, इसको हमें सम करना है। तो देखेंगे हम यूनिट प्लेस जो हमारे पास नंबर होता है, यूनिट प्लेस नंबर को देखेंगे हम, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 8 और यहाँ 3। तो 7 और 3 को अगर ऐड करें तो लास्ट में 10 आएगा, इसमें 0 आएगा। तो अरेंजमेंट ऐसे करें कि 0 0 आए, यूनिट प्लेस के नंबर को अगर सम करें तो इन दोनों नंबरों को सम करेंगे, देखिए तो लास्ट में क्या आएगा, 7 प्लस 3 0 आएगा। तो इसका मतलब 837 और 363 को एक साथ देखेंगे नंबर को, 837 प्लस 363 और आफ्टर दैट 208। यूनिट प्लेस नंबर को चेक कर लेना, 0 आना चाहिए तो उससे इजी हो जाता है। तो ये सुटेबल रीअरेंजमेंट होता है। अब देखिए इसको प्लस करते हैं साइड में, 837 एंड 363, इसको हमने प्लस करके देखा, 7 प्लस 3 10 1 के, फिर अगेन 10 1 के, 8 प्लस 1 9 9 प्लस 3 12, तो ये आगे 1200 प्लस 208। 1200 में 20 ऐड करेंगे, मैं प्लस कर देते 208, तो इजी हो जाता है। यूनिट प्लस और 10 प्लस पर अगर 0 0 है हमारे पास तो उसको ऐड करना इजी हो जाता है। 0 प्लस 8 8 0, 2 प्लस 2 4 1, तो रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, 1408 आंसर। तो ये हमारे पास सुटेबल रीअरेंजमेंट करके हमने इसका प्लस फाइंड कर लिया। इसके बाद एक्सरसाइज 2.2 का हम क्वेश्चन नंबर सेकंड डिस्कस करते हैं। फाइंड द प्रोडक्ट बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट। फर्स्ट पार्ट, 2 मल्टीप्लाई 176 मल्टीप्लाई 50, सेकेंड 4 मल्टीप्लाई 166 मल्टीप्लाई 25, ऐसे रीअरेंजमेंट करके प्रोडक्ट फाइंड करना है जैसे अभी हमने प्लस किया। तो यूनिट प्लेस नंबर देखते हैं,
कि जीरो किस में आ रहा है। अगर मैं 50 और 2 का कॉम्बिनेशन बनाऊं तो लास्ट में जीरो है, इसका मल्टीप्लाई इजी हो जाएगा जीरो का। यूनिट प्लस और 10 प्लस पर अगर जीरो की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है तो उसका मल्टीप्लीकेशन इजी हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। फर्स्ट 2 मल्टीप्लाई 1768 मल्टीप्लाई 500। अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 2 को 50 से तो 100 आ रहा है, तो कॉम्बिनेशन बनाया मैंने 2 मल्टीप्लाई 50, इसको एक साथ राइट किया। आफ्टर दैट मल्टीप्लाई 1768, 15 टू 2 100 होता है, 100 मल्टीप्लाई 1768, क्योंकि किसी भी डिजिट को जीरो वाले डिजिट से मल्टीप्लाई करना इजी होता है, उतने ही जीरो हम लगा दें। तो 1768 को 100 से मल्टीप्लाई करना इजी है, तो इसका रिजल्ट आएगा 1768 और जीरो कितने लगानी हमें 20, दैट इज आंसर। इसलिए हम सुटेबल रीअरेंजमेंट करते हैं प्रोडक्ट में ताकि जीरो से मल्टीप्लाई करना इजी होता है। इसलिए सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 4 मल्टीप्लाई 166। अब देखिए इसमें भी ऐसे सुटेबल रीअरेंजमेंट करना है। 4 और 25 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 100 आता है, तो 4 और 25 के कॉम्बिनेशन बनाएंगे। 4 मल्टीप्लाई 25, इसको एक साथ राइट कर लिए। आफ्टर दैट मल्टीप्लाई 166, 25 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 आते हैं, 100 मल्टीप्लाई 166। अब देखिए 100 जीरो वाले डिजिट से मल्टीप्लाई करना इजी होता है, अगर 1 के साथ जीरो लग रहा है तो उतने ही जीरो हम लगा देंगे गिवन नंबर में। तो 166 जीरो कितने लगाने 20, तो दैट इज आंसर। होमवर्क में आप क्वेश्चंस एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस करके देखेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड ट्राई करके देखेंगे, जैसे हमने किया था वैसे वो सॉल्व होंगे बाकी के रिमेनिंग पार्ट्स।